आसिंद में प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सभा के दौरान ही एक युवक महावीर जाट हत्याकांड का राजफाश करने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। जानकारी के अनुसार आसिंद थाना सर्किल में 7 महीने पहले महावीर जाट की हत्या हो चुकी है। इसके बाद में जाट समाज लगातार हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। जाट समाज की मांग पर ही इस मामले की जाँच CID CB को दे दी गयी, लेकिन अब तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसी को लेकर शनिवार को जब आसिंद में CM राजे सभा को संबोधित कर रही थी, तभी लालाराम जाट नामक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। लालाराम महावीर जाट के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। गांव जो आसिंद में है उसका गांव महावीर जाट हत्याकांड का उसका मर्डर हुआ था, जिसकी CID जांच चल रही है। भीलवाड़ा में जाट समाज ने वहाँ धरना भी दिया, भूख हड़ताल भी की, यहाँ भी गुलाबरा भी दिया और आसिन भी दिया, ज्ञापन दिया, भूख हड़ताल दिया, फिर भी इनका कोई राजपास नहीं हो रहा। इस कारण ये भाई नाराज होकर आज टावर पर चढ़ गए हैं। ये बोल रहे हैं कि जब तक महावीर जाट को न्याय मिलेगा या तो मैं मरूँगा या उनको न्याय दिला के रहूँगा, ऐसा बता रहे हैं। हम इसीलिए हमारे को पता चला है कि महावीर जाट को लेकर ये तो भाई आज पास में CM की सभा आज भी चढ़ा, इसका क्या कारण है? तो CM हमारी मांगने के लिए ज्ञापन देने के लिए उसका हमारा कोई मिलन नहीं हुआ, इनका भी ये भी मिलना चाह रहे थे सभी भाई, तो मिलन नहीं हुआ, उसके कारण से नाराज होकर उसका 7 महीने हो गए। लालाराम जाट है, लक्ष्मणपुरा है, महावीर जाट उनका भाई है, उसके लिए 7 महीने से अभी तक मिश्रा रिपोर्ट नहीं, हाँ मिश्रा रिपोर्ट तक तक नहीं है, सारा प्रावधान रहता है इसमें। सर इतना चाहते हैं, आश्वासन दे देते हैं, आप भी कहते हैं CA वहाँ आ रहे, CID आ रही वहाँ आ रहे, बोले 5 तारीख को आएंगे, अभी आज 27-28 तारीख हो गई, अभी तक कुछ भी राजपास नहीं, 29 तारीख की तो लेकिन CM की सभा है, इसलिए सभी भाई मिलकर आए। हमारे पहले तो ज्ञापन भी नहीं देना चाह रहे, हमें मिलने भी नहीं दे रहे, हमें रुकने भी नहीं दे रहे थे वहाँ, लेकिन इसी कारण से भाई ने विश्वास रखा कि अगर मेरे भाई को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या करके ही नीचे उतरूंगा। वो भाई चला गया तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे, हमारे समाज में लेना नामुमकिन। क्या नाम आपका? संपत लाल जाट मेरा नाम।